यूपी में सरकारी आवास पर कब्जा जमाए पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब घर छोड़ना पड़ेगा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब सरकारी बंगला नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए यूपी मिनिस्टर सैलरी अलाउंस एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले में रहने का अधिकार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ दे तो वो आम आदमी के बराबर है। ये जनता की संपत्ति का, सरकारी संपत्ति का निजी कार्य के लिए या राजनीतिक कार्य के लिए दुरुपयोग है और अतः ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जिस बात को माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला देने के लिए यूपी सरकार ने एक नीति बनाई थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया था। इसके बाद यूपी सरकार ने दोबारा कानून बना दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस कानून को भी खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी के कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपना बंगला खाली करना होगा।